वायरस की महामारी के चलते सोलन में क्राइम रेट कम हुआ है, लेकिन FIR रजिस्टर ज्यादा हुए हैं। ये जानकारी सोलन पुलिस के मीडिया प्रभारी ASP शिव कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब से कर्फ्यू लगा है तब से सोलन जिला में क्राइम रेट में कमी आई है, हालांकि कर्फ्यू वायलेशन को लेकर FIR बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अभी तक कर्फ्यू लगाने के बाद एक एक्सीडेंट का मामला दर्ज हुआ है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं NDPC एक्ट व अवैध शराब के मामले भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के 20 मामले और NDPC एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू वायलेशन के 86 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस वैश्विक महामारी के चलते लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से बाहर ना निकले। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह गाड़ियों का प्रयोग ना करें और सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी को ध्यान रखना है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो जब से कर्फ्यू लगा है हिमाचल प्रदेश में, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम क्राइम की सिचुएशन देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो FIRs जो हैं वो बड़ी हैं, लेकिन इसमें 80% FIR जो हैं वो कर्फ्यू वायलेशन की हैं और बाकी क्राइम जो है वो काफ़ी कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट का सिर्फ जब से कर्फ्यू लगा है अभी तक 1 केस हुआ है जिसमें 3 लोग इंजर्ड हुए थे। और इसके अलावा इस दौरान जो ड्रग्स हैं और एक्साइज के केसेस हैं उनमें थोड़ी इंक्रीज देखी गई है। ड्रग्स केसेस तो एट पार ही हैं। अभी तक NDPS के हमारे पास 10 केसेस दर्ज हो चुके हैं और एक्साइज एक्ट के तहत लगभग 20 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और जो कर्फ्यू वायलेशन है, कर्फ्यू वायलेशन के हमारे पास 86 केसेस अभी तक दर्ज हो चुके हैं। मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो भी पुलिस और प्रशासन की डायरेक्शन है उसको आप फॉलो करें ताकि इस कोरोना महामारी से हम पार पा सकें। अगर कोई व्यक्ति इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति बिना किसी कारण के घूम रहा है या पास का मिसयूज कर रहा है, अभी पिछले कल भी हमने एक मैकेनिक पे केस दिया है जिसको कि मैकेनिकल शॉप के लिए उसको परमिशन मिली है, लेकिन वो शराब पी के शाम को यहाँ सप्रून चौक के पास गाड़ी चलाता हुआ घूमता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है उस केस में चल रही है। तो ऐसी जो भी वायलेशन कर रहा है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। और मेरी इसलिए आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश भी है कि आप प्लीज़ अननेसेसरी जो है गाड़ी की मूवमेंट ना करें और मिनिमम जो है गाड़ियों का प्रयोग करें, व्हीकल्स का प्रयोग करें। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।